नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है टूल्स मिला के यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे खेती के एक ऐसे आधुनिक तकनीक के बारे में जिसके मदद से आप ऑफ सीजन में डिमांडिंग फसल की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाई, वीडियो में आगे जानेंगे हम इसके क्या फायदे हैं, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आप किन किन फसलों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, अगर आप एक एकड़ में इसको लगाते हैं तो आपको इसकी कितनी आवश्यकता होगी और आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। किसान भाइयों, हम जो आधुनिक तकनीक के बारे में बात करेंगे वो है लो टनल फार्मिंग, जो पॉली हाउस और ग्रीन हाउस की तरह ही होता है, जो आकार में छोटा और इफेक्टिव होता है। इसमें क्रॉप कवर का इस्तेमाल होता है जिससे फसलों को कवर किया जाता है। ठंडी में कई फसल में बीज का अंकुरण ठीक से नहीं हो पाता है जिससे फसल की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है, पर अगर आप लो टनल विधि से खेती करते हैं तो बीज का अंकुरण और फसल की ग्रोथ में तेजी दिखती है। क्रॉप कवर ब्रीथेबल मटेरियल से बने होने के कारण कोई भी मौसम में इसके अंदर का हीट और मॉइस्चर को मेंटेन रखता है। इससे ठंडी में फसलों को पड़ने वाले पाले से होने वाले नुकसान से बचाती है। लो टनल से आपके कीटनाशक का भी खर्च कम हो जाता है क्योंकि कवर होने के कारण बाहर के पक्षी और बहुत सारे कीट फसल में नहीं लगते हैं। इससे आप ऑफ सीजन में या समय से पहले फसलों के उत्पादन करके अच्छा मंडी भाव ले सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं कि क्रॉप कवर को खेत में कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए चार चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला है क्रॉप कवर, दूसरा है फाइबर स्टिक, तीसरा है प्लास्टिक क्लिप और चौथा है धागा। इसके लिए आपको पहले ज़मीन तैयार करने के बाद बेड बना लेना होगा। अगर आप ड्रिप पाइप इस्तेमाल करते हैं और मल्चिंग सीट का इस्तेमाल करते हैं तो आपका मेहनत और भी कम हो जाता है। बीज बुआई या पौधा लगाने के बाद लो टनल विधि से क्रॉप कवर का इस्तेमाल करना होगा। इंस्टॉल करने के लिए पहले फाइबर स्टिक को आपको बेड के दोनों तरफ लगा देना है और एक फाइबर स्टिक से दूसरी फाइबर स्टिक के बीच की दूरी 10 फीट रखना है। फाइबर स्टिक लगाने के बाद क्रॉप कवर को सपोर्ट देने के लिए फाइबर स्टिक के अंदर से तीनों तरफ से धागा लगाना होगा। धागा मजबूत होना चाहिए। अब आप फाइबर स्टिक को क्रॉप कवर के साथ मजबूती से होल्ड करने के लिए प्लास्टिक क्लिप का इस्तेमाल करें, जो ऊपर से क्रॉप कवर के साथ फाइबर स्टिक के ऊपर अटैच हो जाती है, जिससे ज़्यादा हवा देने पर भी स्ट्रक्चर टिका रहता है। और एक फाइबर स्टिक में लगभग 3 प्लास्टिक क्लिप इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपको क्रॉप कवर के दोनों छोर को खूंटे के साथ ज़मीन में गाड़ देना होगा ताकि मजबूती मिले। उसके बाद बेड के दोनों तरफ क्रॉप कवर के दोनों साइड में मिट्टी चढ़ा दें ताकि हवा से क्रॉप कवर उड़े ना। अगर बात करें किन किन फसलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम आपको बता दें, इसका इस्तेमाल आप खरबूजा, तरबूज, मिर्ची, टमाटर और छोटे सब्जी वर्गीय फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं, अगर हमारे किसान भाई एक एकड़ में क्रॉप कवर से लो टनल फार्मिंग करते हैं तो उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अगर आप 400 मीटर का एक क्रॉप कवर का रोल खरीदते हैं तो आपको 6 से 8 क्रॉप कवर का रोल की आवश्यकता होगी। 800 पीस फाइबर स्टिक की ज़रूरत होगी। एक फाइबर स्टिक में 3 प्लास्टिक क्लिप की ज़रूरत होती है। उसके हिसाब से 800 फाइबर स्टिक में आपको 2400 प्लास्टिक क्लिप की आवश्यकता पड़ेगी। और एक बात ध्यान रखें, धागा आप मजबूत इस्तेमाल करें जो आपके लोकल दुकान से मिल जाएगी। किसान भाइयों, लो टनल फार्मिंग से जुड़ी क्रॉप कवर या फाइबर स्टिक खरीदने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जिसे आप क्लिक करके ये प्रोडक्ट अपने घर तक मंगवा सकते हैं। इसके अलावा खेती से जुड़ी और भी कई उपकरण के लिए आप विजिट करें www.toolsvilla.com। किसान भाइयों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको लो टनल फार्मिंग से जुड़ी कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही खेती से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल टूल्स विला को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में,
एक नए मशीन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।